वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू एजुकोस्ट टूटोरियल सो टूडे आवर टॉपिक इज प्रूव दैट स्पेरिकल मिरर फार्मूला इज एप्लीकेबल इक्वली टू ए प्लेन मिरर ओके सो हमने स्पेरिकल मिरर फार्मूला स्टडी किया है स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला ओके सो अगर आपको रिमेंबर हो स्पेरिकल मिरर फार्मूला तो ये होता है वन बाई एफ इजकअल टू 1 by V plus 1 by U, where F is the focal length, V is the distance of image from the object, uh, sorry, from the pole, and U is the distance of object from the pole of the mirror. Okay. Now the question is that we have to prove spherical mirror formula is also applicable equally to a plane mirror. So if I talk about plane mirror okay so in case of plane mirror we will consider that it is a part of a mirror which has the radius of curvature is having infinite length okay so plane mirror is a part of mirror in which or we can say that whose radius of curvature is at infinite distance and as we know f is equal to आर बाई टू होता है स्पेरिकल मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो आर बाई टू के इक्वल होती है तो अगर आर इनफाइनाइट है इसका मतलब एफ़ भी हमारा कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो अगर हम मिरर फॉर्मूला में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू और अगर वन बाई इनफाइनाइट की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है ओके So, अगर हम जीरो सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू और वी कैन से वी कैन गेट वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो गेट यू इज इक्वल टू माइनस वी दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिकॉज u इज इक्वल टू है किसके माइनस v के यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है कहाँ बन रही है बिहाइंड द मिरर ओके सेकेंड रिलेशन ये है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से उतना ही मिर इमेज का डिस्टेंस है कहाँ से पोल से ओके सो ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पर जितना क्लोज होगा या जितना डिस्टेंस पे होगा इमेज भी उसकी उतनी ही क्लोज या अवे बनेगी ओके सो वी कैन से दैट मिरर, वी कैन से दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन दंट ऑफ द मिरर फ्रंट ऑफ इट ओके सो मे मिररर से फ्रंट पे ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा उसकी इमेज जो है उतने ही डिस्टेंस पर पीछे बनेगी ओके इमेज कैसी होगी इमेज जो है मिररर की बात कर रहे हैं तो बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज बनती है Imaginary and erected. Okay, so I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, you may comment. Okay, so goodbye to all of you. Have a nice day.